हाँ जी, अब सबको स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी आ रही है जी, चलो आ सुनते रही रहे, शुरू करते हैं फिर। अच्छा, इसमें हमने देखी थी डेफिनेशंस केमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री की, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने मैटर को देखा था कि मैटर क्या है, ठीक है। इसके आगे क्लासिफिकेशंस हमने देखी थी, ठीक है। इसमें अगर कोई मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में इसको हमने क्लासिफाई किया था। मिक्सचर के आगे क्लासिफिकेशंस थी होमोजेनियस और नॉन होम हिटरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। सब्सटेंस के आगे से कंपाउंड और एलिमेंट, ठीक है। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज थी वो रिएक्टेंट थे। आगे हम चलते हैं। इसमें आज हमने जो यूनिट 1 है उसमें एक टॉपिक रह गया था जो कि बहुत वास्ट टॉपिक है। उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू एसिड बेस पीएच, ठीक है, और हमने बफर्स के बारे में पढ़ना है अकॉर्डिंग टू योर कैरिकुलम। बेसिकली अब हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। एसिड क्या है? लैटिन वर्ड है, एसिडस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है सोर। तो एसिड बेसिकली सोर होते हैं, खट्टे जिसे हम कहते हैं। इसमें एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था एसिड, वो एसिटिक एसिड था, जिसको हम सिरका भी कहते हैं, ठीक है। एसिड की बेसिक डेफिनेशन है क्या है कि कोई भी सब्सटेंस, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, जो कि प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन को भी कहते हैं। जो सब्सटेंस प्रोटॉन दूसरे सब्सटेंस को डोनेट कर सकता है उसको हम कहेंगे कि वो एसिड है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी एसिड की ये है कि आयोनाइज होता है वाटर में, और क्या है, एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट करेगा, और बेस क्या करती है, बेस एक्सेप्ट करती है दूसरे सब्सटेंस से जो भी प्रोटॉन देता है। प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम कहेंगे बेस है, और डोनर को हम कहेंगे वो एसिड है, ठीक है। एसिड जो है वो वाटर में डिसोसिएट होके हाइड्रोजन आयन देते हैं। बेसिस जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, ठीक है। अमोनिया एक एग्जांपल है बेस की, ठीक है। अमोनिया वाटर में डिसोसिएट होके जो है वो NH4 अमोनियम आयन्स बनाती है, और हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो जाता है। दिस वन आगे है साल्ट्स। साल्ट्स बेसिकली क्या है? साल्ट्स जो है वो आयनिक कंपाउंड है, और वो जब एसिड को बेस न्यूट्रलाइज करेगी उससे जो कंपाउंड्स बनते हैं उसको हम कहते हैं ये साल्ट है। ठीक है, साल्ट जो है वो पॉजिटिव आयन्स जिनको हमने पीछे पढ़ा था उनको कैटाइन्स भी कहते हैं, और नेगेटिव आयन्स जिनको हम कहते हैं कि एन आयन, उनसे बने होते हैं साल्ट, ठीक है। अब इसकी एक एग्जाम्पल है सोडियम। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। सोडियम बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि ये मेटल है, ठीक है। जब मेटल रिएक्ट करेगी एसिड के साथ तो साल्ट बनेगा, जिसकी एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। हमारी बॉडी में भी सोडियम क्लोराइड जो है वो होता है। इसमें सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज होता है, और ऑपोजिट चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए ये बेसिकली इस लाइन का मतलब ये है कि पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस मिल के जो है वो साल्ट बनाते हैं, ठीक है। अब आगे है, हमने पढ़ना है अबाउट पीएच और बफर्स के बारे में, ठीक है। पीएच बेसिक क्या है? बेसिकली क्या है ये? क्या है इसका एक फॉर्मूला है जो इसकी डेफिनेशन है, ये नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस चीज की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। हर आयन के लिए जो है वो लॉग की वैल्यूज होती हैं। वो बेसिकली केमिस्ट्री में आता है, वो बहुत डीप है। आपका बेसिक सब्जेक्ट जो है वो बायोकेमिस्ट्री है, इसलिए हम मेन मेन चीजों पे फोकस करेंगे। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए स्लाइड्स, ठीक है। अब पीएच क्या है? बेसिकली ये क्या है, यूनिट ऑफ मेजर व्हिच डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी या अल्कलाइनिटी
ठीक है, बेसिसिटी बेसिकली जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो बेसिसिटी शो करता है, और एसिडिटी जो है वो हाइड्रोजन आयन शो करता है. ठीक है, इसके लिए पीएच को मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्केल होता है 0 to 14. ठीक है, ये आगे ये बेसिकली ये स्केल है 0 to 14 तक. ठीक है, आगे हम देखते हैं कि पीएच स्केल से हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है, अब एक डेफिनेशन है, लो पीएच मतलब एसिडिटी और हाई पीएच बेसिसिटी. ठीक है, ये इधर से आपको समझ आएगा. ठीक है, ये 7 पीएच जो है वो न्यूट्रल होती है. ठीक है, वाटर बेसिकली न्यूट्रल कंपाउंड है, वाटर की पीएच 7 होती है. ठीक है, अब 7 से नीचे आएगा तो वो टुवर्ड्स एसिडिटी जाएगा. ठीक है, एसिडिटी का मतलब है कि हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होना. ठीक है, प्रोटॉन्स ज्यादा बेसिकली शो करेगा एसिडिटी को. और अगर हम 7 से आगे टुवर्ड्स 14 जाएं, वो सॉल्यूशन मोर एंड मोर अल्कलाइन होता जाएगा टुवर्ड्स 14. ठीक है, यानी बेसिक हो जाएगा. ठीक है, अब ये पीछे स्लाइड में बेसिकली डेफिनेशन लिखी हुई है कि हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस जो है इसका मतलब है कि लो पीएच वैल्यूज. तो लो पीएच वैल्यूज हमने ये देखा है कि 7 से कम है, ये टुवर्ड्स एसिडिक जा रही है. ठीक है, इसी तरह बेसिक जो है उसको हम क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन लो होगी तो वो जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली उसकी पीएच ज्यादा होगी और वो बेसिक होगा. ठीक है, ये टुवर्ड्स 14. अब ये पीएच वैल्यू एक हमारी टर्मिनोलॉजी है. ठीक है, ये क्या है, ये रेशियो ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन. ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन प्योर वाटर में जो है उसको हम कहते हैं पीएच वैल्यू है ये. ठीक है, अगर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन जो है वो हाइड्रोक्सिल से ज्यादा होगी तो मटीरियल एसिडिक होगा. मतलब मोड़ तोड़ के वही बात दोबारा की हुई है जो इधर आपको समझाई गई है. अगर हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन जो है वो हाइड्रोजन आयन से ज्यादा होगी तो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा. ठीक है, अब ये वही लिखा हुआ है, अगर 7 जो है वो न्यूट्रल है, 7 से कम है तो वो एसिडिक है, लेस देन 7 इज एसिडिक और ग्रेटर देन 7 जो है वो बेसिक है. इसी बेस पे हम कहते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिड है और ये बेस है. ठीक है, ये सारा डिपेंड करेगा. और हमारी बॉडी में भी डिफरेंट जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं उनकी पीएच डिफरेंट होती है. ठीक है, अब ये पीएच के जो है वो मेन इम्पोर्टेंट यूजेस हैं. ठीक है, ये हम क्यों यूज करते हैं पीएच के, हमें बेसिक और एसिडिक नेचर का पता चलता है कि एक सॉल्यूशन आइदर एसिड है या बेस है. ठीक है, और ये हम मेडिसिन बनाने के लिए हम पीएच का इस्तेमाल करते हैं. हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कल्चर करना होता है, ठीक है, हम एक टेस्ट भी करवाते हैं कल्चर सेंसिटिविटी. ठीक है, वो किस बेस पे होता है, जो हम कल्चर वगैरह करवाते हैं वो उस पार्टिकुलर पीएच पे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं. अगर उससे आगे पीछे पीएच हो जाए तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है, बहुत से हमारी बॉडी में, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी, हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे इन्फेक्शंस हमें हो जाते हैं जो कि पीएच के चेंज होने से जो है वो बैक्टीरिया वहां पे ग्रो करना शुरू कर देता है. ठीक है, अब आगे जो है वो हम देखते हैं, इसकी मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि बहुत सी फीमेल्स जो है वो कंप्लेन करती हैं कि हमें वाटर डिस्चार्ज हो रहा है. तो वो बेसिकली क्या होता है कि वजाइना की पीएच जो है वो चेंज हो जाती है और वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं और इन्फेक्शन होता है, वेजिनाइटिस होता है. ठीक है, अगर समझ आ जाती है तो ठीक है, बाकी इस पे जोर देने की कोई जरूरत नहीं है अभी इस वक्त. ठीक है, क्योंकि ये एक अलग सब्जेक्ट है. अब पीएच कहाँ यूज होती है, ठीक है, यही हम देख चुके हैं. बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए सर्टेन जो है वो पीएच चाहिए होती है जिसमें हम सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, अब ये एग्जांपल्स हैं हमारी डेली लाइफ से
पीएच के बारे में, 7 जो है वो न्यूट्रल पीएच है और 7 पीएच जो है वो वाटर की होती है, ठीक है। अब अगर हम एसिड की तरफ आए तो मिल्क जो है वो स्लाइटली जो है उसकी पीएच जो है वो एसिडिक है, स्लाइटली मिल्क की कॉफी की, ठीक है। अब जैसे जैसे जाएगा तो वो हाईली एसिडिक हो जाएगी, ठीक है। इसकी ये देखिए विनीगर और लेमन, इसकी पीएच 2 है यानी कि ये एसिड है, ठीक है। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। स्टमक में बेसिस भी होती हैं इसलिए पीएच 1 है, ठीक है। लेकिन एसिड ज्यादा होता है इस वजह से ये जो है इसकी पीएच एसिडिक है। अब सबसे ज्यादा देखें डेंजरस क्या चीज है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हम अक्सर वॉशरूम्स में भी यूज करते हैं, जो हम स्वीप यूज करते हैं और जो हम क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, वो एसिड होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मोस्ट डेंजरस वन, ठीक है। अक्सर हमारे पास पेशेंट्स भी आते हैं एसिड की इनटेक के साथ, तेजाब पी के आते हैं हमारे पास, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। आगे देखें अगर हम 7 से आगे टुवर्ड्स 14 जाए तो ब्लड आता है, ठीक है। ब्लड की पीएच 8 है, बेकिंग सोडा आ जाता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिकली क्या होता है, ये जो हम एसिडिटी के लिए हम जो सिरप यूज करते हैं वो क्या होते हैं, वो अक्सर आपने देखा होगा व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है। वो बेस होती है, वो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं। तो जब एसिडिटी होती है तो उसमें क्या होता है, हमारा एसिड ज्यादा हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ये चीज यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो ये क्या करता है कि हमारी एसिड स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। दोनों अपोजिट चीजें हैं, एसिड्स और बेसिस, ठीक है। आगे जाए अमोनिया आ जाती है, सोप आ जाता है, ब्लीच आ जाता है, ठीक है। सो बेसिकली ब्लीच जो है वो बेस है। इसके अलावा जो अक्सर ड्रेन क्लीनर्स होते हैं, ठीक है, ये डेली लाइफ से हमारी ना एग्जांपल्स हैं। अक्सर हमने बीच में ब्लड और ये स्टमक और ये मेन चीजें हमने देख ली हैं समझने के लिए, ठीक है। आगे ये क्लिनिकल पॉइंट है कि हमारे पास अक्सर पेशेंट जो है वो पी के आते हैं एसिड। एसिड इज सो डैमेजिंग, ठीक है। कॉस्टिक इंजेक्शन में हम एसिड्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, बेसिस को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। ये बेसिकली मैंने एक स्लाइड लगाई थी क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंटरेस्ट डिवेलप करने के लिए, ठीक है। एसिड क्या करता है, जब हम एसिड लेते हैं तो वो हमारी खुराक की नाली में जाता है, ठीक है। खुराक की सबसे पहले तो वो डैमेज करेगा हमारी टंग को, दांतों को, मसूड़ों को, ठीक है। फिर वो खुराक की नाली में जाएगा, ठीक है, वहां डैमेजिंग करेगा। फिर स्टमक में जाएगा, ठीक है। स्टमक में इवन सुराख हो जाता है, बर्न्स हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो एसिड करता है, ठीक है। ये बेसिक स्लाइड सी, ठीक है, इसकी डेप्थ में जाने की भी जरूरत नहीं है कि हम हमारे पास अगर पेशेंट आ जाए तो हम उसको कैसे करते हैं, ठीक है। आगे हम जो हमारा बेसिक चीज है आज के लेक्चर में वो है बफर्स, ठीक है। बफर्स क्या है, बेसिकली बफर्स जो है वो सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन है जो पीएच की पीएच में की चेंजेस में, उस जो पीएच में हम चेंजेस आती हैं या लाने की कोशिश करते हैं, बफर सॉल्यूशन क्या करता है, वो उस चेंज को होने नहीं देता, उसको रिजिस्ट करता है, ठीक है। एक बफर सॉल्यूशन है, उसमें अगर हम एसिड डालेंगे या हम बेस डाल देंगे, वो सॉल्यूशन क्या करेगा, वो सॉल्यूशन पीएच को चेंज नहीं होने देगा, ठीक है। वो रेजिस्ट करेगा कि एक जो सर्टेन पीएच है उससे ना पीएच आगे हो ना कम हो, ठीक है। लेकिन एट सम पॉइंट जो है वो बफर भी फेल हो जाएगा, ठीक है, जब हम डालते जाएंगे। बेसिकली बफर जो है वो रेजिस्ट करता है जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। हमारी बॉडी में बफर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बेसिक टाइप्स हैं बफर की, ठीक है, जिसमें एसिडिक बफर्स भी होते हैं और बेसिक बफर्स भी होते हैं, ठीक है। अब बफर की जो बेसिकली वो क्या है कि एसिडिक बफर्स में क्या होता है कि क्या ये सॉल्यूशन मिक्सचर ऑफ वीक एसिड और साल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। एसिडिक बफर में क्या होगा, एक वीक एसिड होगा, ठीक है, और उसका साल्ट होगा विद बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। बेस स्ट्रॉन्ग क्या होती है, बेस क्यों इसमें स्ट्रॉन्ग है, ये देखें, ये एक एग्जांपल है, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, विनीगर जिसे हम कहते हैं, विनीगर बेसिकली वीक एसिड है। सोडियम जो है वो इसके साथ मिलके एक, ये जो है ये साल्ट है, ठीक है, जब इसके साथ मिलके जो है वो मतलब
सोडियम जो है वो मेटल है, वो इसके फॉर्मूला जो है CH3COO नेगेटिव चार्ज होता है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज चार्ज होता है। सोडियम क्या करती है कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके इसके साथ मिलके जो है वो सॉल्ट बना लेती है। ठीक है, सोडियम जो है इस तरह से काम होगा। अब बेसिकली ये एसिटिक एसिड की एग्जाम्पल है, तो ये सोल्यूशन जो है एसिडिक बफर की एग्जाम्पल है कि इसमें जो है एक वीक एसिड है और उसका सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये सॉल्ट है बेसिकली। अब आ जाते हैं बेसिक बफर, ये उसके उल्टा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये इसमें एक वीक बेस होती है। ठीक है, ये एक वीक बेस है और इसका सॉल्ट है विद क्लोराइड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ये बेसिकली जो है एग्जाम्पल है बेसिक बफर। ठीक है, जब आप एक एक डेफिनेशन समझ लेंगे तो आपको दूसरी को बहुत समझ आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अब बफर्स कैसे काम करता है, इक्विलिब्रियम क्या होती है। बेसिकली एक स्टेट है जो रिजिस्ट करती है चेंज को। ठीक है, मतलब बैलेंसिंग सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, बफर क्या करता है कि एसिड और बेस के दरमियान जो है वो इक्विलिब्रियम क्रिएट करता है। ठीक है, अब ये एक एग्जाम्पल है एसीटेट बफर की। ठीक है, ये अभी हमने पीछे भी इसके एग्जाम्पल देखे हैं। बेसिकली क्या एसिटिक एसिड जो है वो डिसोसिएट होके जो है CH3COO नेगेटिव आयन और हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन यानी के एच पॉजिटिव जो है वो अलग हो जाता है। अब ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर हम डालते हैं, अगर मजीद हम हाइड्रोजन आयन ऐड करते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम जो है ये एक जो है राइट है और ये लेफ्ट है। ठीक है, ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम जो है वो टुवर्ड्स एरो इस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन जो है उसको अब्सॉर्ब करेगा और वो अनचेंज रहेगा। अगर हाइड्रोजन आयन रिमूव करेंगे बाय एडिंग हाइड्रोक्सिल, इसके साथ अगर हम हाइड्रोक्सिल ऐड करेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्या होगा कि हाइड्रोक्सिल ऐड करेंगे तो बेसिकली ये चीज बाकी बच जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब प्रोटॉन को इन्होंने डोनेट किया हुआ है H3O पॉजिटिव, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, H पॉजिटिव हो या H3O पॉजिटिव हो ये एक ही है। अब इसके अंदर ये देखेंगे एक एग्जाम्पल है बफर की। ठीक है, ये इसकी बेस है और ये एसिड है। ठीक है, इसमें अगर हमने डाले हैं हाइड्रोजन आयन डाले हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन डाले हैं तो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा इस साइड पे। तो क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन इसके साथ जो है वो जो इसकी बेस है इसके साथ जो है वो अटैच हो जाएगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ अटैच होगा, CH3COOH हो जाएगा। ठीक है, और वाटर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो जब हाइड्रोजन आयन इसके अंदर आएगा तो इस तरह से वो न्यूट्रलाइज होगा बेस के साथ। ठीक है, इसी तरह जब हम डालेंगे हाइड्रोक्सल आयन, ठीक है, हाइड्रोक्सल आयन हम डालेंगे तो सोल्यूशन का जो है हाइड्रोक्सल आयन वो जाके अटैच हो जाएगा, CH3COOH बन जाएगा और ये बेसिकली जो है वो साथ रह जाएगा। ठीक है, ये देख, ठीक है, इक्विलिब्रियम जो है वो टुवर्ड्स इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बेस बनेगी। ठीक है, और वाटर बनेगा। बॉडी में बफर सिस्टम कैसे एक्ट करेंगे, ठीक है, ये स्लाइड बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाई है, आपको पता चल जाए इंट्रा सेलुलर फ्लूड क्या होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड क्या होता है। ये एक समझ लें सेल है। ठीक है, बेसिकली ये सेल है, आरबीसी से कंसिडर कर लें। सेल के अंदर जो फ्लूड होगा उसको हम कहेंगे इंट्रा सेलुलर फ्लूड है। ठीक है, और जो चीज सेल के बाहर होगी वो एक्स्ट्रा सेलुलर हो जाएगी। इसकी टर्मिनोलॉजी से ही समझ आ जाती है, इंट्रा मतलब सेल के अंदर और एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर। ठीक है, उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड भी दो टाइप का होता है। ठीक है, एक ब्लड वेसल के अंदर जो होगा, ठीक है, एक सेल और ब्लड वेसल के दरमियान। ठीक है, बेसिकली दो चीजें हैं, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। ये स्लाइड सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि इंट्रा सेलुलर फ्लूड कौन सा होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड कौन सा होता है, जिसकी फर्दर डिवीजन जो है इंटरस्टिशियल यानी स्पेसिस जो सेल्स के दरमियान स्पेसिस होती हैं उनके दरमियान जो फ्लूड होगा
उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे, और जो ब्लड वेसल्स के अंदर होगा उसको हम कहेंगे इंट्रावेस्कुलर। ठीक है, बफर जो है वो बेसिकली थ्री टाइप के हैं जिन पे हमने फोकस करना है। एक तो फॉस्फेट बफर है, ठीक है, बाइकार्बोनेट बफर और प्रोटीन बफर। ठीक है, अब बेसिकली बॉडी की नॉर्मल पीएच क्या है, 7.35 to 7.45, ये याद रखने वाली चीज है। ठीक है, ये आगे क्लिनिकली भी इसका बहुत यूज होता है, अगर आपको नॉर्मल वैल्यू याद हो 7.35 to 7.45। ठीक है, अगर 7.35 से जो है वो पीएच कम होगी तो वो भी अब नॉर्मल है, अगर ज्यादा होगी तो वो भी अब नॉर्मल है। ठीक है, इससे कम होगी पीएच उसे हम कहेंगे, एक टर्मिनोलॉजी है एसिडोसिस। ठीक है, एसिडिक पीएच जिसे हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि 7.35 से अगर हमारे बॉडी की पीएच कम हो जाएगी तो वो एसिडोसिस हो जाएगी। ठीक है, और अगर 7.45 से पीएच ज़्यादा होगी तो वो अल्कलिनिटी की तरफ जाती है, जिसको हम बेसिसिटी भी कहते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा होगी 7.45 से तो उसको हम कहेंगे अल्कलोसिस। ठीक है, बेसिकली बफर ने, हमारी बॉडी में जो बफर है उसने पीएच मेंटेन करनी है इस रेंज में, 7.35 से 7.45। ठीक है, अगर पीएच खराब होगी तो हमें बहुत से मसले हो सकते हैं। ठीक है, हम मतलब इरेगुलरिटीज हो जाती हैं बॉडी में, बॉडी के केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो उसकी पीएच अल्टर हो जाएगी तो केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो मुतासर होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स खराब होंगे हमारे। ठीक है, अब बेसिकली ये दो चीजें हैं कि रेगुलेशन हमारी बॉडी में क्या होती है, ये मतलब पीएच मेंटेन कैसे होती है। दो बेसिकली हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं जो मेनली रेगुलेट करते हैं इसे। एक तो हमारे लंग्स हो गए, ठीक है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो रेगुलेट करता है, और हमारा रीनल सिस्टम है वो रेगुलेट करता है पीएच को मेंटेन करने में। जो सबसे फास्ट है हमारा सिस्टम, जो पीएच में थोड़ी बहुत चेंज आए तो वो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, वो हमारा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम 1 से 12 मिनट में। एक्यूट सिचुएशंस बेसिकली क्या होती हैं, जो अचानक वो मतलब इन सिंपल वर्ड्स लेस देन वीक, जो वीक से ज्यादा हो जाए वो चीज़ क्रॉनिक में चली जाती है, क्रॉनिक मतलब पुरानी। ठीक है, अब जो नई नई मतलब कुछ होता है, अक्सर पेशेंट प्रेजेंट करते हैं कोई अचानक से कोई बीमारी हो जाए, या कोई पीएच मतलब इसी में ही अगर एसिडोसिस अल्कलोसिस वगैरह हो जाए, तो सबसे पहले जो फास्टली हमारा जो है रेस्पिरेटरी रेगुलेशन जो है वो होगी, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा, और जो पुरानी सिचुएशंस हैं क्रॉनिक सिचुएशंस हैं उसमें जो है ये 1 दिन लगाएगा कि अपनी जो है वो कंप्लीट करने में, पीएच को रिस्टोर करने में टुवर्ड्स नॉर्मल लिमिट। ठीक है, सबसे पावरफुल जो है वो हमारा रेगुलेशन करता है हमारी किडनी। ठीक है, किडनी जो है वो टाइम लेती है, ठीक है, मैक्सिमली एक्ट करने के लिए। ठीक है, पीएच को वापस 7.35 to 7.45 के दरमियान मेंटेन करने में। अच्छा, आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन है बफर सिस्टम की। ये पीछे मैंने आपको वो स्लाइड इसलिए ये वाली दिखाई थी कि आगे हमने क्लासिफिकेशन में देखना था कि इंट्रा सेलुलर फ्लूड क्या है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड क्या है। अच्छा, आगे बफर सिस्टम जो है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूड में होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में होते हैं। जो प्रोटीन बफर सिस्टम है वो दोनों में होते हैं, दोनों कंपार्टमेंट्स में होते हैं। ठीक है, उसमें इंट्रा सेलुलर फ्लूड भी आ जाता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड भी आ जाता है। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो हमारा मेन बफरिंग सिस्टम है वो है फॉस्फेट बफर सिस्टम है। ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है। ठीक है, ये तीन मेन क्लासिफिकेशन है। प्रोटीन बफर जो है वो आगे फर्दर जो है वो इसमें सारी प्रोटीन्स आ जाती हैं। ठीक है, इसमें मेनली जो हम जिस पे फोकस करेंगे वो हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम होगा, क्योंकि आरबीसीज के अंदर एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, जिसको हम आम टर्मिनोलॉजी में एचबी भी कहते हैं।
ठीक है, वो एक प्रोटीन है बेसिकली, ऑक्सीजन कैरी करती है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में उसका रोल है, ठीक है, और उसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। अच्छा, आगे आता है फॉस्फेट बफर सिस्टम, ठीक है। फॉस्फेट बफर सिस्टम जो है उसमें, अब हमने उसमें देखना है कि इसमें वीक एसिड होगा और एक वीक बेस होगी, ठीक है। वीक एसिड कौन सा होता है इसमें? सोडियम डाइहाइड्रोजन, डाई का मतलब होता है दो, ठीक है, यानी इसमें दो हाइड्रोजन है और एक फॉस्फेट है और साथ इसके सोडियम है। सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है, और सोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है दो, यानी इसमें एक हाइड्रोजन है और उसमें दो हाइड्रोजन है, ठीक है, विच इज अ वीक बेस। ये बेसिकली सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखें ये, नीचे इक्वेशंस लिखी हुई है, ठीक है, जो कि इसका मैकेनिज्म समझाएगा आपको। इसका बेसिकली मैकेनिज्म क्या है? जब सोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट, जब हम इस सॉल्यूशन में हम स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड के साथ क्या चीज रिएक्ट करेगी? बेस रिएक्ट करेगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि इसमें हमने, इस केस में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो वीक वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है, और सॉल्ट बना देगी, ठीक है। सॉल्ट कौन सा बना रही है? वो सोडियम क्लोराइड बना रही है, ठीक है, और साथ में वीक एसिड बना रहा है। अब देखिए, अब एक हम स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं, उसको बॉडी बैलेंस कर रही है और एक वीक एसिड बना रही है, ठीक है, तो क्या चीज ज्यादा डैमेजिंग है? स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रलाइज करके वीक एसिड हम बना लें, या स्ट्रॉन्ग एसिड को वैसे का वैसे ही पड़ा रहने दें? ठीक है, बेसिकली ये मैकेनिज्म है कि हमने जो है वो ज्यादा डैमेजिंग चीज को हमने कन्वर्ट करना है लेस डैमेज की तरफ, ठीक है। अब हमने इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है, उसने रिएक्ट किया वीक बेस के साथ और उसने सॉल्ट बना दिया, ठीक है। ये अब हमने बफर सॉल्यूशन में हमने डाला है, एसिड डाला है। जब हम इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे, ठीक है, बेस के साथ क्या चीज रिएक्ट करेगी? वीक एसिड रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब ये देखें, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उसने रिएक्ट किया है वीक एसिड के साथ, जो कि क्या है? सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट है, वीक एसिड है, ठीक है, इसने इसके साथ रिएक्ट किया है और क्या बनाया है? वाटर बना दिया, ठीक है। ये भी एक नॉमिना है कि इधर साल्ट बना है, ठीक है, और जब बेस रिएक्ट करती है एसिड के साथ वो वाटर बनाती है, ठीक है, और इसने जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस को कन्वर्ट कर दिया टुवर्ड्स वीक बेस, ठीक है। यहाँ पे जो है ये स्लाइड में ये टाइपिंग मिस्टेक है, सोडियम के साथ टू नहीं आता, ठीक है, NaH2CO4 है। ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि बेसिकली मैकेनिज्म सबका वही है। स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है, उसने जो है वो सॉल्ट बना दिया और खुद कन्वर्ट हो गया वीक एसिड में। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो हमने डाली है बफर सॉल्यूशन में, बफर सॉल्यूशन का वीक एसिड सामने आ गया और उसने जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस को कन्वर्ट कर दिया टुवर्ड्स इनटू वीक बेस और साथ में वाटर बन गया, ठीक है। वाटर कैसे बना है? बेसिकली इस वीक एसिड में से एक हाइड्रोजन ने इस हाइड्रोक्सिल के साथ मिलके वाटर बना दिया, ठीक है। अच्छा, फॉस्फेट बफर सिस्टम हमारा किधर होता है? बेसिकली जो किडनी की ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, ट्यूब्यूल्स होती हैं, उसके अंदर फ्लूड होता है, जो ट्यूब्यूल्स हमारा यूरिन बनाती हैं, उसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बफर सिस्टम है वो फॉस्फेट बफर है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंटली जो हमें मिलेगा वो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम मिलेगा, ठीक है। फॉस्फेट बफर बॉडी में कंपैरेटिवली बाइकार्ब के सिर्फ 8% जो है वो होता है। आगे हम पढ़ेंगे बाइकार्बोनेट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है बफर सिस्टम, ठीक है। बाइकार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड बफर भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। सिमी, अब ये देखें यहाँ लिखा हुआ है कि सेम लाइक उसी तरह रिएक्ट करता है जैसे फॉस्फेट बफर सिस्टम करता है, ठीक है।
अब बाइकार्बोनेट में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो क्या होता है आयन, वो होता है सोडियम आयन और फॉस्फेट आयन, ठीक है। जैसे फॉस्फेट आयन जो है वो उसमें होता है फॉस्फेट बफर सिस्टम में, इसी तरह बाइकार्बोनेट में हमारा होता है सोडियम, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या है? अब इसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्ब है, ठीक है। जब सोडियम बाइकार्ब जो है वो एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें हम HCl कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड जो है वो बनेगा, जो कि वीक एसिड है, ठीक है। ये बड़ी जल्दी डिसोसिएट हो जाता है अपने अपने कैटाइन्स और एनाइन्स में, और सोडियम आइन सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। अब वो जो पीछे हमने कैटाइन्स एनाइन्स और ये सारी चीजें पढ़ी थी बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में, वो आगे हमारी इम्प्लीमेंट हो रही है इसमें, जो हम मजीद आगे चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी आगे इक्वेशंस आएगी, ठीक है। ये आप देखें, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। इसके साथ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने एक्ट किया है, तो क्या हुआ है, साल्ट बना है। सोडियम अलग होगी, क्लोराइड अलग हो गया और सोडियम क्लोराइड बन गया, और साथ में कार्बोनिक एसिड बन गया, जो कि वीक एसिड है, ठीक है। इसकी बेसिक हम आगे पढ़ेंगे कि ये किस तरह डिसोसिएट होता है, हम एंजाइम भी पढ़ेंगे इसका, ठीक है। अब हमने इसमें एसिड डाल लिया, अब हम इसमें जब स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस जब हम इस सॉल्यूशन में डालेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी। बेसिकली इस बफर सिस्टम का कंपोनेंट क्या है, सोडियम बाइकार्ब है और कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। जब हमने एसिड डाला तो सोडियम बाइकार्ब ने रिएक्ट किया स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। सोडियम बाइकार्ब क्या है, बेसिकली बेस है, वीक बेस है, ठीक है। उसने रिएक्ट किया स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, कार्बोनिक एसिड बना दिया और सोडियम क्लोराइड जो कि साल्ट है वो बना दिया। इसी तरह जो हमारा कार्बोनिक एसिड है वो वीक एसिड है, जब हम इसमें स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे तो वो रिएक्ट करेगी वीक एसिड के साथ, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी बताया, जब बेस रिएक्ट करेगी एसिड के साथ तो वाटर बनाएगी, ठीक है। उसने वाटर बना दिया और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो अलग हो गया, ठीक है, जो कि वीक बेस है बाइकार्ब। अच्छा, अब ये देखें वीक एसिड या वीक बेस, बेसिकली इसमें काम है वीक एसिड का, वीक बेस का, ठीक है। उसने क्या किया, एसिड या बेस को कैप्चर कर लिया, फ्री आयंस को कैप्चर कर लिया उसमें से, और पीएच में जो तब्दीली है उसको वो रोक लेता है, उधर ही प्रिवेंट कर लेता है चेंज इन पीएच को, ठीक है, और इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। अब कार्बोनिक एसिड, ये आपको ये इधर जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, या आगे आप फर्दर देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। कार्बोनिक एसिड जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया, ये बड़ी वीक जो है एसिड है, और ये बड़ी जल्दी अपने कंपोनेंट्स में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। ये देखें, ये कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। ये डिसोसिएट होके जो है वाटर भी बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना देता है। लंग्स में ये क्या करता है, लंग्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और देन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम थ्रू एक्सपायरेशन सांस बाहर निकाल के हम बाहर कर देते हैं। और इसके अलावा जो है ये इसमें भी डिसोसिएट होता है बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में, ठीक है, जो इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स में क्या है, अब ये इस जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके लिए एंजाइम चाहिए होता है। एंजाइम जो है वो केमिकल रिएक्शन को इनहेंस करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने में। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या है, ठीक है, RBCs में कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो इसकी कार्बोनिक एसिड की डिसोसिएशन करता है, ठीक है, टूवर्ड्स, ये आगे हमने देखा ये सारा, ये जो रिएक्शन है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। इस एंजाइम का नाम आपको पता होना चाहिए। अब ये देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा था, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हम जो है वो एक्सहेल आउट कर लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब ये जो है बाइकार्ब आयन, ठीक है, और हाइड्रोजन आयन, ठीक है, ये जो है वो किडनीज जो है इसको रेगुलेट करती है, मतलब किडनीज का काम है वो, या तो इसको बाहर निकाले या इसको एब्जॉर्ब बैक कर ले इनटू ब्लड, ठीक है, या फिर यूरिन में निकाल दे, ठीक है। अच्छा, ये एक एग्जांपल है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम की। जब अल्कलोसिस होगी, यानी कि अल्कलोसिस का क्या मतलब है, हाइड्रोजन आयन जो है वो कम हो जाना, ठीक है,
अब ये जो है, अब ये जो येलो बॉक्स है, ठीक है, ये बेसिकली ये शो कर रहा है इसको लंग्स में क्या क्या फिनोमेना हो रहा है. ठीक है, अब लंग्स में देखे कि अब यहाँ ये हमने पीछे रिएक्शन पढ़ा था कि जब भी जो है, अब एक चीज है बेसिकली समझने के लिए कि जब भी हम सांस जो है वो ज्यादा लेते हैं, जब हम अपना सांस लेने की रफ्तार तेज करते हैं, इसका मतलब है कि हम ज्यादा ऑक्सीजन अंदर कर रहे हैं और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली क्या है, अभी हमने देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके एसिड बना देती है. कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली क्या है, एसिड है. ठीक है, जब हम ज्यादा एसिड बाहर निकालेंगे सांस के थ्रू, तो हमारी जो बॉडी की पीएच है वो किस तरफ जाएगी, बेसिक बेस की तरफ जाएगी. ठीक है, पीएच ज्यादा होगी. ठीक है, और पीएच ज्यादा होगी तो हम उसको क्या कहते हैं, अल्कलोसिस कहते हैं. ठीक है, अब ये देखें अल्कलोसिस में क्या होता है, बेसिकली जो है वो हमारी जो होती है वो ये बाय, अब इसमें हम समझते हैं ये किडनी में ये हो रहा है, ये ब्लू जो बॉक्स है ये शो कर रहा है कि किडनी में क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, और येलो जो है वो शो कर रहा है लंग्स में क्या हो रहा है. ठीक है, बाइकार्बोनेट ने जो है वो डिसोसिएट होके हाइड्रोजन आयन बनाया है और बाइकार्बोनेट आयन बनाया है. ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन जो है वो किडनीज में जाता है और सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्ब बना देता है. ठीक है, या वो रिएक्ट होके सोडियम बाइकार्ब बना देगा और सेव हो जाएगा, या फिर बाइकार्बोनेट जो है वो किडनी बाहर निकाल देगा. ठीक है, बेसिकली अल्कलोसिस में बेस ज्यादा हो जाती है और हमारे पास बेस क्या है, बाइकार्ब. बाइकार्ब बेसिकली बेस है. अब बेस हमारे पीएच हमारे पास ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है उसको हमने बैक टू नॉर्मल करने के लिए हमें ज्यादा क्या निकालना पड़ेगा, बेस निकालनी पड़ेगी. ठीक है, अब एक चीज है, ये पीछे एक स्लाइड है, ये वाली. ठीक है, अब पीएच ज्यादा हो रही है. ठीक है, यानी कि बेस ज्यादा हो रही है. अब ज्यादा बेस को हमने निकालना है बॉडी में से. ठीक है, वो हम बॉडी में से कैसे निकालेंगे, कि हम किडनीज को बोलेंगे कि वो हमारे बॉडी से बेस निकाल दे. ठीक है, और जो मोस्ट कॉमन बफर सिस्टम है वो हमने देख लिया कि बाइकार्ब है. ठीक है, तो किडनीज बेसिकली क्या करेंगी, बाइकार्बो को एक्सक्रीट कर देगी उसको नॉर्मलाइज करने के लिए. ठीक है, सिमिलरली लंग्स क्या करेंगे. ठीक है, एक तो इस तरह से हम अपनी पीएच नॉर्मल कर सकते हैं किडनीज के थ्रू, लंग्स के थ्रू हम कैसे करेंगे. ठीक है, दिमाग को सिग्नल जाएगा कि सांस लेने की रफ्तार जो है वो कम कर दो. जब सांस लेने की रफ्तार कम कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगी. कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगी तो मतलब पीएच किसकी तरफ आएगी, एसिडिटी की तरफ आएगी. ठीक है, दो तरीके हो सकते हैं पीएच को नॉर्मल करने के लिए, अगर पीएच ज्यादा हो गया तो. ठीक है, अल्कलोसिस हो गया यानी पीएच ज्यादा हो गया. अगर पीएच ज्यादा हो गया, दो तरीके हो गए हैं हमारे पास, या हम किडनी को बोलेंगे बेस निकाल दो बाहर, या हम लंग्स को बोलेंगे कि आप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम बाहर निकालो. ठीक है, इस तरीके से जो है वो पीएच न्यूट्रलाइज होगी और ये दोनों सिस्टम जो है वो एक साथ काम करते हैं हमारी बॉडी को पीएच, हमारी बॉडी की पीएच को जो है वो मेंटेन करने के लिए, 7.35 टू 7.45 के दरमियान जो है वो मेंटेन करने के लिए. अच्छा, अब जो है ये दूसरा, अब एक सिचुएशन हमने देख लिया है कि बेस ज्यादा हो गया है तो बॉडी ने कैसे रिस्पॉन्स किया है. अब एसिड ज्यादा हो गया बॉडी में, ठीक है, एसिड ज्यादा हो गया है तो बॉडी ने क्या कहना है कि हाइड्रोजन आयन बाहर निकालो, प्रोटॉन्स बाहर निकालो. ठीक है, और लंग्स को क्या बोलेंगे, लंग्स को ये बोलेंगे कि आप जो है वो सांस लेना, मतलब रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा करेंगे ताकि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, इन अदर वर्ड्स एसिड बाहर निकले. ठीक है, ये तरीका होगा. अब इसमें ये देखें कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, उसने एक तरफ डिसोसिएट होके क्या बनाया, हाइड्रोजन आयन. ठीक है, और अब ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब है अगर हम बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन यानी कि एसिड ज्यादा कर रहे हैं, एसिड ज्यादा होगा. ठीक है, एसिड जो है वो बाइकार्ब के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनाएगा. ठीक है, मतलब ये दोनों तरफ रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलते हैं.
डिपेंड करता है कि हमने कहाँ इस साइड पे, अगर हमने हाइड्रोजन आयन डाला है तो रिएक्शन ज्यादा जो है वो इस तरफ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा और लंग्स को कहेगा कि आप रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा करो, रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर निकलेगी। इसी तरह ये बायकाव के साथ मिल के जो है इसने बेस बना दी सोडियम बायकाव। ठीक है, अब किडनीज क्या करेंगी? किडनीज बेसिकली जो है ये जो हाइड्रोजन आयन आएगा, किडनीज जो है हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन करेंगी। पिछली स्लाइड में हमने देखा है बेस ज्यादा हुई है तो किडनी बेस निकालेगी बाहर, बेस निकालेगी और एसिड को रिटेन करेगी थ्रू लंग्स। ठीक है, और इस स्लाइड में आप देखें कि किडनीज में एसिडिटी हुई है तो किडनीज ने हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालना है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी रेट कम करके एसिड को रिटेन करना, एसिड को बाहर निकालना है, सॉरी रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा करेगी और एसिड को बाहर निकालेगी। ठीक है, ये बेसिकली फिनोमेना है, बस किसी ना किसी तरह उसने बैलेंस करना है यार, किडनीज के थ्रू ठीक है और लंग्स के थ्रू। इसके बारे में आप लोग मुझे बता दें आपको समझ आ गई है कि नहीं, क्योंकि मुझे कोशिश तो मैंने बहुत किया है कि आपको ये समझ आ जाए, तो मुझे ग्रुप में रिस्पॉन्ड करते हैं कि आपको जी समझ आ मैम, गई है आ कि नहीं। गई है। आगे चलें, फिर जी चलें। चलें प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन्स जो है वो इंट्रा सेलुलर बफर है, यानी सेल के अंदर है, जिसकी एक एग्जाम्पल हमने देखी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये इसमें बेसिकली प्रोटीन्स के बारे में बताया हुआ है कि अमाइनो एसिड से बनती है। अमाइनो एसिड के दो एंड्स हैं, एक पॉजिटिव एंड है, एक नेगेटिव एंड है। ठीक है, पॉजिटिव एंड जो है वो अमाइनो ग्रुप होगा, ठीक है, और नेगेटिवली चार कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। ठीक है, COO नेगेटिव, नेगेटिव को हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अच्छा चार्ज रीजन जो होते हैं इनके प्रोटीन्स के, आइदर नेगेटिव या पॉजिटिव जो है ये बाइंड कर जाते हैं हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, अब ये देखें ये माइनो ग्रुप जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो ये किसके साथ बाइंड करेगा? माइनो ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज होता है तो ये नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन के साथ बाइंड कर सकता है। ठीक है, और इसी तरह जो नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिल ग्रुप्स होते हैं वो किसके साथ बाइंड करेंगे? हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन। पॉजिटिव चार्ज होता है। इस तरह से प्रोटीन जो है वो आपका एसिड बेस बैलेंस को वो मेंटेन करेगी। ठीक है, बेसिकली एसिड क्या है हमारा? हाइड्रोजन आयन है। आगे जो है 2/3 जो है वो बफरिंग पावर होती है प्रोटीन्स में। ठीक है, और सेल्स के अंदर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बफर होता है ये। ठीक है, ये अब आगे हम हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है वो RBCs के अंदर प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, ये सेल का 1/3 ऑफ मास मास बनाती हैं। ब्लड में जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बफर है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके जो है वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा एसिड को। अब इसकी आगे जो है ये डिटेल्स हैं, ये आगे डायग्राम्स आएंगी उसमें हम देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, अब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जो है RBCs। ठीक है, अब RBCs में जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी बेसिकली हीमोग्लोबिन का एक फंक्शन है जो हम बायोलॉजी से पढ़ते आ रहे हैं कि हीमोग्लोबिन का क्या काम है। ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में जो है इसका रोल होता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड किया है। ठीक है, ऑक्सीजन RBCs ने किसको दिया है? हमारे सेल्स को दिए हैं। ऑक्सीजन सेल्स को उसने ट्रांसपोर्ट की है, सेल ने ऑक्सीजन यूज की है और रिस्पॉन्स में कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दोबारा ब्लड में जाएगी। ठीक है, और वाटर के साथ मिलके क्या बना रही है? कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड बना रही है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड जो है वो डिसोसिएट होता है बायकाव में और हाइड्रोजन आयन में। ठीक है, ठीक है, अब आगे डिपेंड करता है। अब ये देखें इसके अंदर ना हाइड्रोजन आयन जो है वो आ गए हैं। ठीक है, ब्लड के अंदर ये बन गया है, बायकाव में कन्वर्ट हो गया और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो गया। अब हाइड्रोजन आयन का क्या काम है, मतलब हीमोग्लोबिन कैसे उसको बफर करेगी? हाइड्रोजन आयन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, और बायकाव जो है वो किधर चला जाएगा? प्लाज्मा में चला जाएगा, ब्लड में वापस ब्लड प्लाज्मा में चला जाएगा। ठीक है, इसके आगे जो है टिश्यूज में ये काम है। ठीक है, अब लंग्स क्या करेंगे? ठीक है,
लंग्स का क्या काम है? लंग्स में जो है वो हम जब सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन अंदर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या सीन हुआ है, इसके अंदर जो है वो उसने हाइड्रोजन के साथ बाइंड किया और उसको न्यूट्रलाइज कर लिया एसिड को, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ है कि जो हाइड्रोजन आयन बाइंड किया हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन जब हमने लंग्स से ले लिया है ऑक्सीजन आएगी, ठीक है, वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगी और हाइड्रोजन आयन को अलग कर देगी, ठीक है। हाइड्रोजन आयन का क्या क्या करेगा, बाइकार्ब के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बना देगा। कार्बोनिक एसिड वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में डिसोसिएट होगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू हम बाहर निकाल देंगे। बेसिकली ये होता है मैकेनिज्म, ठीक है। ये मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड की गई है। ऑक्सीजन जो है वो सेल ने देनी हो रेड ब्लड सेल ने हमने देनी होती है, टिश्यू को देनी होती है, टिश्यू सेल को देनी होती है ऑक्सीजन, ताकि वो अपने केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड कर सके, अपने काम कर सके, ठीक है। वो ऑक्सीजन टिश्यू ने यूटिलाइज किया और इन रिटर्न उसने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ मिलके वो आएगी डिसोसिएट होके दोबारा ब्लड के अंदर आएगी और डिसोसिएट होके कार्बन आपस में मिलके कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, और डिसोसिएट होके जो है वो बाइकार्ब और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होगी। हाइड्रोजन आयन जो बने हैं उसको बफर कर लेगी हीमोग्लोबिन, ठीक है, और बाइकार्ब जो है वो प्लाज्मा में भेज देगी। बेस जो है एसिड को अपने साथ जोड़ के उसको न्यूट्रलाइज कर लिया उसने। इस एसिड ने जो है इस एसिड को आके ऑक्सीजन ने जो है वो डिस्प्लेस किया, ठीक है। पीछे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी पढ़े थे, ठीक है। उसने इसको डिस्प्लेस किया और इसके साथ बाइंड कर दिया और हाइड्रोजन आयन को अलग कर दिया। अब हाइड्रोजन आयन जो है उसकी अफिनिटी है बाइकार्ब के साथ, वो आपस में मिल के उसने कार्बोनिक एसिड बना दिया। कार्बोनिक एसिड जो है वो अपने कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के में कन्वर्ट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वोलेटाइल है, गैस है, ठीक है। वो एल्वियोलाई में लंग्स के एल्वियोलाई में जाके लंग्स के थ्रू जो है वो एक्सहेल आउट हो गया। इसके बारे में समझ आ गई आपको? इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है सबके? जी मैम, आ गया। मैम मेरा एक सवाल है कि ये जो सारा रिएक्शन है ये क्या एंजाइम्स की प्रेजेंस में होगा? ये मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में जो हमने पढ़ा है जी, ये देखिए ना, अभी जो मतलब ना, यहाँ पे बिल्कुल बना, बिल्कुल यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो मौजूद है, ठीक है। जी ये कार्बोनिक एसिड क्योंकि दोबारा डिसोसिएट हुआ तो ये इन द फॉर्म इन द कार्बोनिक एसिड प्रेजेंस ऑफ प्रूफ हुआ। वो, हाँ, बेसिकली ये प्रॉपर्टी है, वीक एसिड जो है वो बड़ी जल्दी डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि वो डिसोसिएट होके पीछे हमने देखा है कि वो बाइकार्ब भी बना रहा है, हाइड्रोजन आयन भी बना रहा है, और एट द सेम टाइम सही वो जो है वो आपस में मिलके वो जो है वाटर और जी कार्बन मैम, डाइऑक्साइड। मेरा सवाल यही था कि मतलब उसकी जो डिसोसिएशन हो हाँ रही है उसको कोई एंजाइम्स ही डिसोसिएट कर रहा है ना? जी, लेकिन इट सेल्फ भी जो है ना वो वीक एसिड जो है वो डिसोसिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जी मैम, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आगे चलते हैं इसके बारे में जो हमने रेगुलेशन करनी है, एसिड बेस बैलेंस आगे। अच्छा, आप लोग सब जो है उन्होंने नर्सिंग का डिप्लोमा किया हुआ है या फिर आप लोग मैट्रिक के बाद आए हैं, मुझे इस बारे में बता दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों का जो है वो कितना पहले से लेवल मेंटेन हुआ हुआ है अबाउट दिस थिंग्स। जी डिप्लोमा किए हुए हैं सब ने, मेरे ख्याल से तो किए हुए हैं, उसके अच्छा बाद ही अच्छा उसको। चले, फिर तो चीजें ज्यादा अच्छी समझ आ जाएंगी जो प्रेटरी रेगुलेशन ऑफ एसिड पे बैलेंस, ठीक है। ये बड़ी बेसिक सी स्लाइड है, ठीक है। ये अब हमारी बॉडी में अगर हमारा होम्योस्टेसिस जो कि नॉर्मल हमारा बॉडी का इन्वायरमेंट है अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है, एसिडिटी या बेसिसिटी ज्यादा हो जाती है, तो बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। ये बेसिकली फ्लो चार्ट है समझने के लिए कि पीएच कम होगी तो वो एसिडोसिस है और पीएच ज्यादा होगी तो वो अल्कलोसिस है, ठीक है। एसिडोसिस में क्या होगा, वही चीजें जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। कार्बन एसिडोसिस को हम कैसे बैलेंस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकालेंगे, ठीक है। तो वो ब्रेन को रिस्पॉन्ड करेगा कि आप रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा करो, रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होगा ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलेगी बाहर ब्लड में, फिर इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, ठीक है।
और कार्बोनिक एसिड भी कम होगा, और पीएच जो है एसिड जब कम होता है तो ऑटोमेटिकली पीएच ज्यादा हो जाती है, यानी टुवर्ड्स अल्कलिनिटी की या बेसिसिटी की तरफ आती है। इसी तरह अल्कलोसिस में क्या होता है, पीएच ज्यादा हो जाती है, वो ब्रेन के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है कि आप रेस्पिरेटरी रेट कम करो, ठीक है, क्योंकि पहले ही जो है वो बेस ज्यादा हो रही है बॉडी में, पीएच ज्यादा हो रही है, तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड कम निकालनी है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कम कैसे निकलेगी, जब हम सांस लेना कम, उसकी रफ्तार कम कर देंगे तो क्या होगा कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, ठीक है, बाइकार्ब भी ज्यादा होगा और पीएच जो है वो डिक्रीज होगी, यानी कि एसिडिटी की तरफ आएगी, एसिडिटी की तरफ आएगी पीएच। इस तरह ये बेसिकली फ्लो चार्ट है, इस तरह हमारा जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम रेगुलेट करता है। ये बेसिक फ्लो चार्ट है, इसकी डेप्थ में बाद में जाएंगे। रीनल रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस, किडनीज कैसे एक्ट करती हैं। अच्छा, अब ये बेसिक स्लाइड है, होप सो आपको ये समझ आ जाए। ये ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, ये किडनी के सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स हैं, जो किडनी की वॉल है ना, वॉल किडनी की, बेसिकली यहाँ से किडनी की टिब्यूल शुरू हो रही है। अब टिब्यूल की लाइनिंग में जो सेल्स हैं वो ये शो हो रहे हैं आपको डार्क कलर, और जो ल्यूमन है यानी कि जो उसकी नाली है क्या, उसके अंदर ये आपको लाइट कलर में शो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें स्टेप वन में क्या है, ये सोडियम जो यूरिन, ये यूरिन है बेसिकली, ठीक है, ये चीज यूरिन को शो कर रही है। अब यूरिन में से कुछ सारी चीजें तो हम अपने सारे रंग की आग तो बाहर नहीं भेज सकते यूरिन में, जाहिर है हमने कुछ वापस रिस्टोर भी करने हैं, रीअब्जॉर्ब भी करने हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सोडियम और हाइड्रोजन का ये ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, ये सेल की वॉल में है, इसने क्या करना है, इसने सोडियम अंदर करना है, ठीक है, रेगुलर सेल के अंदर। अब जाहिर है अब यहाँ से गुजर के ही नमकियात इधर जाएंगे और इधर से अंदर जाएंगे, ठीक है, सोडियम अंदर आया, ठीक है, हाइड्रोजन आयन जो है वो बाहर गया, ठीक है। हाइड्रोजन आयन ने क्या किया, हाइड्रोजन आयन बाहर निकला, उसने बाइकार्ब के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बना दिया। ये वो आपका क्वेश्चन कि एंजाइम होगा कि नहीं, एंजाइम जो है वो मौजूद है, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो उसने इसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया, ठीक है। ये मैकेनिज्म हो सकता है हाइड्रोजन आयन को निकालने का, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज बैक की सेल के अंदर वाटर के साथ मिलके उसने कार्बोनिक एसिड बना लिया, ठीक है। अब कार्बोनिक एसिड जो है वो इसमें डिसोसिएट हुआ दोबारा से, मतलब ये साइकिल चलता रहता है, यहाँ से ये शुरू होता है, ठीक है, ये साइकिल यूं इस तरह जा रहा है। अब हाइड्रोजन आयन एक्सेस, हाइड्रोजन आयन बाहर निकल गई, ठीक है, और बाइकार्ब जो है वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। ये जस्ट बेसिक है, इसमें कोई एसिडिक और वो बेसिक मेंशन नहीं है, ये आप पीछे की तरफ ज्यादा रहें तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ तक आप जो है वो समझ आनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। बस इतना था आज का लेक्चर, और थोड़ी सी मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगी, ये जो हमने बफर सिस्टम पढ़े हैं इस पर हमने असाइनमेंट बनानी है, इजी वर्डिंग में या जैसे आपको समझ आई है वैसे आप देखें असाइनमेंट बनाए और ग्रुप में देख, ग्रुप में सेंड करें, या जिस तरह भी आप सेंड करते हैं आप मेरे तक पहुंचाएं, तो इंशाल्लाह मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों को कितनी समझ आई है। किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू मैम। समझ आ गई है, ये स्लाइड्स आपको शेयर कर देंगे। ठीक है मैडम, शेयर कर दीजिएगा। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।